मंगर रामवृष बेनीपुरी जी का जीता जागता रेखा चित्र रेखा चित्र यानी शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति घटना स्थान या वस्तु को चित्रित करना यहाँ एक किसान का चित्रण किया गया है किसान जो कि अन्नदाता होता है आप सबको मालूम है उस पर मंगर मंगर एक काफ़ी मेहनती किसान था जो काफ़ी ईमानदार था ईमानदारी तो मानो उसमें कोट कूट कर भरी हुई थी बिहार के बेनीपुर निवासी थे रामवृष्य बेनीपुरी जी जो जनमानस के कलाकार थे उन्हें कलम का जादूगर माना जाता है और उन्होंने काफ़ी दिलचस्प रेखाचित्र लिखे जो उनकी माटी की मूर्तें नामक रचना में संकलित है माटी की मूर्तें में कुल बारह रेखा चित्र हैं जिनमें मंगर भी एक है 1946 में पब्लिश हुई थी यह रचना और इनमें जो बारह रेखा चित्र हैं वे सब उनके गांव के ही जीते जागते पात्र हैं जिनका सजीव एवं रोचक वर्णन कलात्मक रूप से बेनीपुरी जी ने किया है रामवृष बेनीपुरी जी एक सफल साहित्यकार तो थे ही साथ ही आज़ादी के आंदोलन के सच्चे सिपाही थे पत्रकार थे राजनेता थे और इसी सिलसिले में तकरीबन नौ साल तक जेल में भी रहना पड़ा उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते वक्त उनके गांव के लोगों की मूर्तें उनकी आंखों के सामने स्मृतियों में आते रहे और उन्हें ही वे कलात्मक रूप से शब्दबद्ध करते गए और मंगर भी उनमें से एक है अब देखिए मंगर उस किसान को कैसे शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ऋषि जी हट्टा कट्टा शरीर कमर में भगवा कंधे पर हल हाथ में पैना आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज के हहा से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है मुझे ऐसा लगता है अब देखिए लेखक याद करते हैं कैसे था मंगर उसका शरीर कैसे था हट्टा कट्टा था यानी कि काफ़ी मेहनती किसान था तो ज़ाहिर है उसका शरीर हट्टा कट्टा था कमर में भगवा भगवा क्या होता है होता है ना जो गेरुआ रंग का जो वस्त्र होता है वो कमर में डालता है कंधे पर हल होता है उसका हमेशा हाथ में हाथ में पहना पहना यानी जो बैल हांकने की काम आती है आपने देखा होगा जो लचीला सा वही पहना आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज के हहा से ही बैलों को भगाता यानी कि उसके आवाज में ही एक ऐसी दम थी कि बैलों को वो भगाता था और मेरी खेत की ओर सुबह सुबह आता था जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है मुझे ऐसा लगता है अब देखिए लेखक याद करते हैं लेखक के बचपन से ही उन्होंने मंगर को इसी रूप में देखा है यानी कि बैलों को भगाते हुए हाथ में पहना लिए कमर में भगवा डाले हट्टा कट्टा शरीर वाला मंगर हाँ मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है अब देखिए लेखक याद करते हैं कभी कभी ऐसा भी सौभाग्य उन्हें मिला था कि मंगर के कंधे पर लेखक जब छोटे थे उन्हें वो बिठाया करते थे मंगर ये सौभाग्य उनको मिल चुका था लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके ऐसे लोगों में प्रायः देखा जाता है लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं कैसे अवसर कि मंगर बच्चों को अपने कंधे पर बैठाए लेखक को भी बिठाया है उसने लेकिन बहुत कम बार बिठाया है और न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वो स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है पता नहीं क्यों अब लेखक भी नहीं जानते ऐसा क्यों है मंगर को बच्चों से ज़्यादा प्यार नहीं था उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं और आज जब मंगर अशक्त जर्जर हो चुका है बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपने बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींच कर गालियाँ बकने लगता तो वे खिलखिला पड़ते और उसका मुंह चुड़ाने लगते हैं जब मंगर जवान था उसे बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं था अब आज जब वो बूढ़ा हो गया है तो बच्चे उसे भगाते हैं मानो बदला ले रहे हों बच्चे छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भाग जाते हैं बच्चे तो वो मंकर क्या करता है झल्लाता है उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता है कभी कभी गालियाँ भी देता है और बच्चे खिलखिला हंस पड़ते हैं और उसे मुँह चुड़ाने लगते हैं बच्चों से उसकी वृतृषणा क्यों हुई शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने से पहले ही उसे दगा देकर चल बसा और जो उसकी एक बच्ची भी सो लू लो और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादली दिखाई लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से ज़बरदस्ती भगा लाया अब देखिए लेखक सोचते हैं कि मंगर को आखिर बच्चों से इतनी चिड़ क्यों थी पता नहीं शायद हो सकता है कि मंगर का जो बेटा था वो जवान होते होते चल बसा और उसकी एक जो बेटी थी वो लूली थी यानी अपाहिज थी और जैसे तैसे उसने अपनी बेटी की शादी तो करवा दी थी शादी में बड़ी दरिया दिखाई यानी अपनी हैसियत से ज़्यादा उसने शायद दहेज में दिया अपनी बेटी के लिए लेकिन फिर भी क्या हुआ एक बार यूँ उसे मुसीबत के समय वो अपने बेटी के घर पहुंचा तो वहाँ उसके दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहाँ से ज़बरदस्ती भगा लाया मंगर का स्वाभिमान गरीबों में भी स्वाभिमान अब देखिए आप पूछ सकते हैं कि गरीब किसान है उसके पास कुछ भी तो नहीं है इतना स्वाभिमानी बनने लायक उसमें है ही क्या लेकिन मंगर मंगर अलग था उसमें स्वाभिमान भी था मंगर को खूबी यह भी रही है मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं मंगर मेरे बाबा का अदब करता था शायद उनके बुढ़ापे के कारण लेकिन जो मेरे बाबा थे यानी कि लेखक के पिताजी उनकी कदर करता था मंगर लेकिन चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है लेकिन जो मेरे चाचा थे उनको तो मंगर अपनी बराबरी का ही समझता था मंगर किसान था गरीब था लेकिन फिर भी वो स्वाभिमानी था वो हमेशा सबके सामने नहीं दबता था और मे मैं मुझे तो वो कल तक तू ही पुकारता था यानी कि लेखक जो राजनेता थे जो पत्रकार थे इतने बड़े हो गए थे एक अच्छे पद पर थे लेकिन फिर भी मंगर उन्हें तू कहकर पुकारता था किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे हलवाहों को मिलने वाली नित दिन की गालियाँ तो दूर की बात अब देखिए उस गांव में दूसरे हलवाहों को तो गालियाँ शायद मिलती होंगी लेकिन मंगर को गाली देने की जरूरत गांव में कोई नहीं करता था ऐसा क्यों अब क्यों हमें भी लगेगा भाई मंगर भी किसान है गरीब है तो दूसरों की गालियाँ तो उसे सुनना ही सुनना है लेकिन नहीं इसका एक खास कारण था मंगर का हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन जिसमें ईमानदारी ने चार चांद लगा दिए थे उसका हट्टा कट्टा शरीर था ऊपर से वो काफ़ी ईमानदार था जितनी देर में लोगों का हल दस कट्टा खेत जोतता मंगर पंद्रह कट्टा जोत लेता और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराओ मिलना मुश्किल अब देखिए वो काफ़ी मेहनती था दूसरे किसानों के जैसे नहीं था काफ़ी ईमानदार था दूसरे लोग दूसरे किसान जितनी देर में दस कट्टा खेत जोतते कट्टा मतलब यानी होता है ना जि, जितना एरिया खेत जोतते मंगर पंद्रह कट्टा जोत लेता मंगर पंद्रह जोत लेता और ऐसा महीन जोतता कि पहली चांस में ही सिराओं मिलना मुश्किल अब एक बार मंगर ने हल पकड़ लिया और किसी खेत को जोत लिया तो मानो इतने अच्छी तरह से अपना काम करता था कि किसी को गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम आता और जिसकी ताक होती वहाँ हल लिए सुबह सुबह पहुँच जाता अब देखिए मंगर को कोई बुलाने की जरूरत नहीं थी वो शाम को ही घूम आता था, था खेतों में और वो पता लगा लेता था कि किस खेत में कल उसे हल जोतना है वहाँ हल लिए वह सुबह सुबह पहुँच जाता जुताई के वक्त किसी की देखरेख की भी जरूरत नहीं आम हलवाहों के पीछे किसान लठ लेकर पड़े रहते और तो भी वे जी चुराते ढिलाई करते आज का, का काम कल के लिए छोड़ते यह आदत मंगर में थी ही नहीं अब देखिए तो दूसरे हलवाहे थे उनके पीछे किसानों को क्या करना पड़ता था लठ लेकर चलना पड़ता था तब भी वे कामचोर होते थे जी चुराते थे काम में ढिलाई करते थे आज का काम कल के लिए छोड़ देते थे लेकिन ऐसी आदत मंगर में नहीं थी यों ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था अब देखिए वफादार भी इतना था आप उसे फसल की रखवाली का काम सौंपें चाहे हरी भरी फसल हो या सूखी ही, सूखी फसही यानी जो चावल स्वयं उग जाने वाला होता है ना हाँ उस उसकी रखवाली हो या हरी फसल की हो खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था यानी कि वो कुछ चोरी नहीं करता था अगर मंगर उसकी रखवाली कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर घर में बैठ सकते हैं तो मंगर इतना वफ़ादार था मंगर मेहनती था कामचोर नहीं था और इसी कारण किसी की ये ज़रूरत नहीं होती थी गांव में कि मंगर को गाली दे और मंगर स्वाभिमान भी था दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है स्वांग है वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता था और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था उसकी झिड़क सबके सर आँखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती अब देखिए हलवाहा है लेकिन वो भी थोड़ा स्वांग वाला है कभी रूठता था, था कभी उसकी मनौती होती थी लेकिन सब उसे सिर आँखों पर चढ़ाकर रखते थे क्यों क्योंकि उसकी कद्र की जाती थी क्योंकि दूसरा ऐसा जन गांव में था ही नहीं वो हलवाहा नहीं स्वांग है यो मेरे बाबा कहा करते थे क्यों क्योंकि इस प्रकार का एक हलवाहा जो मेहनती है जो कामचोर नहीं है जो वफ़ादार है मिलना मुश्किल था तो अगर वो रूठ जाता था तो उसकी मनौती भी होती थी क्योंकि वो था ही ऐसा हलवाहा कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती एक दिन काफ़ी कहा सुनी हो गई दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया इधर से बुलाहट भी नहीं गई अब देखिए एक बार यो हुआ कि उसका स्वांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया कुछ ज़्यादा ही रूट गया मंगर तो बात इतनी बढ़ गई कहा सुनी हो गई कि दूसरे दिन सुबह वो हल लेने नहीं आया हमारे घर और इधर से बुलाहट भी नहीं गई अब घर वालों को भी मेरे घर वालों को भी गुस्सा आ गया रुपये हैं तब हलवाहे ना होंगे कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया अब देखिए घर वालों को भी लगा हमारे घर वालों को लगा लेखक के घर वालों को लगा कि जब रुपये हैं तो और भी हलवाहे मिल जाएंगे ये मंगर थोड़ा ज़्यादा ही रूठ रहा है तो बैठे रहने दो तो नया हलवाहा लेकर खेत जोता गया उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला अब ये जो खबर थी किसी किसान ने मंगर के घर जाकर दी क्या जाकर बोला वो मंगरू देख उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है उन्हें रुपये हैं हज़ार हलवाहे मिलेंगे अब देखिए गांव का कोई जाकर मंगर से कह देता है कि देख उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है भाई उनके पास रुपये हैं तो हज़ार हलवाहे मिल जाएंगे तो तेरे भी शरीर है हज़ार गृहस्थ मिलेंगे चल हमारा हल जोत तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा अब देखिए एन अवसर पाकर वो क्या कहता है कि तेरा भी तो शरीर है अगर उनके पास पैसा है तो तेरे पास शरीर है मेहनत करने का तन है मन है तुझे भी हज़ार गृहस्थ मिल जाएंगे तू परवा मत कर चल हमारा हल जोत तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है मंगर ने इसका जवाब दिया और उसका यह सर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर कर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए अब देखिए मंगर ऐसा नहीं है कि हमारे घर से बुलावा नहीं गया तो किसी और के खेत में जोतने चला गया वो इतना स्वाभिमानी था सर दर्द का बहाना बनाकर बैठा रहा कब तक बैठा रहा जब तक मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए क्योंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है बैलों के कंधे छिल गए उनके पैर में फार लग गए खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली अब देखिए चार दिनों में मेरे चाचा जी को भी पता चल गया कि मंगर को रखना और किसी दूसरे हलवाही को रखने में क्या अंतर है क्योंकि खेत में हल तो चला मजदूरी भी दी गई लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहिए तब कहीं दस कट्टा ज़मीन जुते मंगर के बिना काम चल नहीं सकता चाचा जी को पता चल गया कि कोई दूसरा हलवाहा मंगर की तरह नहीं हो सकता दिन भर उनके पीछे लगे रहो तब जाकर दस कट्टा ज़मीन जुतता है लेकिन अगर आप मंगर को रखो तो एक ही दिन में पंद्रह कट्टा ज़मीन भी जुतेगा और ऐसा महीन जोतता था कि पहली जोत में ही सिराओं मिलना मुश्किल तब चाचा जी समझ गए कि मंगर क्या है